दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Xiaomi Redmi Poco स्मार्टफोन में यहां पे जो एप आइकन एनिमेशन देखने को मिलता है उसको कैसे यहां पे इनेबल कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो एंड आपको यहां पे iOS का डॉक बार भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको जो HyperOS में वॉल्यूम बार का जो पैनल देखने को मिलता है वो भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन फीचर्स को इंस्टॉल कर सकते हो एंड कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड थर्ड पार्टी थीम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो इनको इनेबल करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब देखो आपको यहाँ पे जो विजिट देखने को मिलती है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलती है। साथ ही आइकन्स आप देख सकते हो कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे एंड इनमें आपको एनिमेशन भी देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग यूआई कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके सामने सेटिंग यूआई देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपके सामने यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा। आप देखो जो सिस्टम के एप्लीकेशन देखने को मिलता है उनमें ही आपको चेंज देखने को मिलेगा एंड जो अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं उनमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो बात करते हैं कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो कंट्रोल सेंटर को आप ऑन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं तो आपको HyperOS में जो कंट्रोल सेंटर का लुक देखने को मिलता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड देखने को मिलता है आपके स्मार्टफोन में ग्रे या फिर ब्लैक बैकग्राउंड शो करता है वो रिप्लेस हो जाएगा एंड कुछ ऐसा आपके सामने बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। साथ ही टॉगल्स आप देख सकते हो कंप्लीट चेंज हो जाएंगे एंड इनमें आपको शेप देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं नोटिफिकेशन सेंटर के बारे में, तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे जो विजिट देखने को मिलती है वो आपके सामने टॉप में हो जाएगी एंड यहाँ पे स्टेटस बार का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कंप्लीट यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज का आइकन देखने को मिलता है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं सिस्टम यूआई के बारे में, तो आप ऑन करोगे आपके सामने ऐसे देखने को मिलेगी। अब देखो आपको एक डिफरेंट लेआउट देखने को मिलती है, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको जो लोगोस देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे। अब देखो आप यहाँ पे वॉल्यूम बार को HyperOS में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो, तो पहले आप लुक देख लो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ऑन करोगे आपके सामने स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा, साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके सामने कलर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा, कंप्लीट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं लास्ट फीचर यानी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो आप ऑन करोगे आपके सामने कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा आपके सामने एनिमेशन देखने को मिलता है, आप लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को ऑन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा। ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा एंड ओपन करने के बाद आपको एक थीम डाउनलोड करना पड़ेगा। आप देखो कौन सी थीम है एंड आप थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, ये वाला नेम आपको टाइप करना है। जैसे नेम आप ये टाइप करोगे आपके सामने थीम ओपन हो जाएगी। अब देखो अगर आप ये नेम टाइप करते हो आपके सामने थीम ओपन नहीं होती है तो आप यहाँ पे क्रिएटर का नेम देख सकते हो, ये वाला नेम आप टाइप करना आपके सामने थीम ओपन हो जाएगी। उसके बाद इस थीम को डाउनलोड कर लेना एंड इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे जो डॉक बार देखने को मिलता है वो भी चेंज हो जाएगा एंड जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया एंड इस थीम को आपको ओनली लाइट मोड में यूज करना है एंड थीम को डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, कंप्लीट फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।